चंद्रिका गेरा दीक्षित बिग बॉस ओटीटी 3 की बहुत ही पॉपुलर कंटेस्टेंट रही है। पहले दिन से ही लोगों की नज़र उनकी जानी पे लगी थी। बड़ा पाव गर्ल के नाम से फेमस चंद्रिका की शो में कई लोगों से लड़ाई हुई और अब शो से उनका सफर खत्म हो चुका है। बिग बॉस ओटीटी 3 से बाहर आने के बाद चंद्रिका ने अपने सफर के बारे में कई बातें मीडिया के सामने बताई। जब उनसे पेपराजी ने सवाल किया तो बिग बॉस ने अपना सफर आपके लिए संतोषजनक था या नहीं, तब जयश्री महाकाल के जयकारे के साथ चंद्रिका ने कहा, बात मंजिल की ना की जाए, सफर की जाए तो मैं अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। अंदर के लोगों ने जब मेरे लिए अपनी राय बदली तो मेरे जीत वहीं हो गई। मुझे ट्रॉफी से प्यार नहीं था, जितना चला अच्छा चला और मैंने बहुत अच्छा अपनी तरफ से चलाया। जब चंद्रिका से पूछा गया कि आपसे पहले जीतने के एविकेशन हुए उसमें से कोई ऐसा है जिसे वो बिग बॉस के घर में और भी काबिल रहती मानती हैं, इस पर चंद्रिका ने कहा, टॉप पर नीरज भैया, पोलो और पायल। आगे चंद्रिका ने कहा, नीरज भैया के लिए मुझे लगता था कि वे फाइनल में जाएंगे और टॉप वन पर या फिर टॉप टू तक तो टिकेंगे ही। आगे चंद्रिका ने कहा, नीरज भैया ने जाने के बाद भी मेंटली प्रिपेयर हो गई, अपना नंबर कभी भी आ सकता है, जब वो नहीं टिके तो मैं क्या टिकूंगी। आगे चंद्रिका ने कहा, मैंने गेम खेली नहीं, मैं जैसी हूँ वैसे नहीं थी, मैं 16 लोगों के साथ डील किया। जब चंद्रिका से मलिक फैमिली को लेकर सवाल किया गया तो चंद्रिका ने कहा, मैंने सभी को टाइम दिया। इसके बाद जब चंद्रिका से विशाल और अरमान मलिक के थप्पड़ कांड के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि विशाल गलत था, अब मैं बाहर हूँ, मैं अभी अरमान के वीडियो नहीं देखे हैं और मुझे अरमान गलत लगे तो मैं उनके लिए भी बोलूंगी, जो गलत है वो गलत है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है।